Very good morning, students. Welcome to Fun and Learn Home Learning. Today I am presenting Math subject for Standard 5th, Chapter 8, Mapping Your Way, Part 4. I hope बच्चों previous part का exercise आपने अच्छे से कर दिया होगा, है ना? आज हम और आगे के map study करेंगे और उसे related question answer भी discuss करेंगे. So let's start. बच्चों अभी कल हमने इंडिया का मैप देखा था, है ना? उसके बारे में स्टडी किया था. अभी अभी छोटे छोटे टाउन का आज मैप पढ़ने वाले हैं और उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली ये जो क्वेश्चंस दिए हैं वो क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज़ द टॉपिक? डिस्टेंसेस बिटवीन द टाउन. डिस्टेंसेस बिटवीन द टाउन. और ये मैप में आपको यहाँ पे स्केल भी दिया हुआ है. 1 centimeter ऑन द पेपर इज इक्वल्स टू 10 kilometer. दैट मीन्स मैप में अगर 1 centimeter का डिस्टेंस दिया हुआ है ना, तो उसको हमको ऑन रोड कितना समझना है? 10 kilometer. बराबर. तो मैप 6 में हम देख लेते हैं कौन कौन से छोटे छोटे टाउन दिखाए हुए हैं. यस, स्टार्ट फ्रॉम हियर. इडलीपुर क्या है? इडलीपुर. इडलीपुर, बर्फीनगर, ढोकलाबाद, भेलपुर, छोलाघाट, है ना? तो बच्चों ये छोटे छोटे टाउन का एक छोटा सा मैप है और यहाँ पे स्केल भी दिया हुआ है. यस, स्केल इज 1 centimeter ऑन पेपर इज इक्वल्स टू 10 kilometer. ये सबसे इम्पोर्टेंट स्केल है, वो ध्यान रखो, है ना? तो चलो अभी क्वेश्चन आंसर पे जाते हैं. दीज आर 5 towns. फाइंड आउट हाउ मेनी सेंटीमीटर अवे इज इडलीपुर फ्रॉम बर्फीनगर ऑन द मैप. हाउ मेनी सेंटीमीटर अवे इडलीपुर फ्रॉम बर्फीनगर ऑन द मैप. तो बच्चों इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मैप पे जाना पड़ेगा. अभी हमको क्या बोला है? इडलीपुर से बर्फीनगर का डिस्टेंस, है ना, स्केल से यानी मैप में कितना है. तो बच्चों आपने क्या करना है पता है? स्केल लेनी है, स्केल का 0 point यहाँ पे रखना है और स्केल अगर यहाँ से यहाँ तक अच्छे से रखनी है, दोनों पॉइंट्स मिलाने हैं. तो अभी देखते हैं, अगर मेरा पॉइंट 0 यहाँ है तो 1, 2, 3, 4, 5 and 6, है ना? ऑन पेपर इट इज़ टेंटेटिव. अगर आपका स्केल देख के देखना है कि वो कौन कितना सेंटीमीटर आता है तो उसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर होगा. तो यहाँ पे मुझे 1, 2, 3, 4, 5 and 6 मीटर सिक्स सेंटीमीटर डिस्टेंस मैप में दिख रहा है, राइट? तो उसका मतलब क्या हुआ? कितने किलोमीटर वो दूर होगा इडलीपुर एंड बर्फीनगर का डिस्टेंस? 6 into 10, दैट मीन्स 60 kilometer, है ना? आंसर में भी वेरी, आप लोग आपके टेक्स्ट बुक में अगर स्केल रखेंगे और उसका आंसर में भी 5 centimeter भी हो सकता है और 7 centimeter भी हो सकता है, तो इट इज़ टेंटेटिव आंसर, है ना? पर आपको मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि कैसे आपको रखना है. 0 point मुझे यहाँ पे रखना है, मेरी स्केल यहाँ पे रखना है एंड काउंट करना है हाउ मेनी सेंटीमीटर. अगर 6 centimeter आया तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा? 10 से मल्टीप्लाई. सो वी गेट एन आंसर. द डिस्टेंस बिटवीन इडलीपुर एंड बर्फीनगर इट्स 60 kilometer. ओके, हाउ मेनी किलोमीटर विल यू हैव टू ट्रैवल इफ यू गो
फ्रॉम इडलीपुर टू बर्फीनगर। तो ऑन पेपर बच्चों हमारा क्या आया, 6 सेंटीमीटर। तो कितना किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा, तो इसके आंसर क्या आएगा, 60 किलोमीटर, है ना। अभी मैंने कैलकुलेट किया। ओके, तो आपको फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन का आंसर मिल गया। देर इज अ प्लेस कॉल थप्पा ग्राम। क्या हुआ, थप्पा ग्राम, मिडवे बिटवीन इडलीपुर एंड बर्फीनगर। सो मार्केट टी, अभी इडलीपुर एंड बर्फीनगर का मिड पॉइंट क्या होगा बच्चों, दिस इज, है ना, दिस इज मिड पॉइंट। लुक एट हियर, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे है, है ना। दैट मीन्स इडलीनगर एंड बर्फीनगर, इडलीपुर एंड बर्फीनगर के बीच में थप्पा ग्राम है, तो वो पॉइंट मुझे दिखाना है, तो मैं यहाँ पे टी मार्क करूँगी, है ना। ओके, नाउ अ टाउन जलेबीपुर इज 35 किलोमीटर अवे फ्रॉम बोथ छोलाघाट एंड ढोकला बाग। एक टाउन है जो अवे फ्रॉम बोथ छोलाघाट एंड ढोकला बाग, वेयर डू यू थिंक कैन बी मार्क जी। अभी बच्चों क्या है, छोलाघाट कहाँ पे है, छोलाघाट इज हियर, है ना, एंड ढोकला बाग इज हियर। ओके, नाउ अ टाउन जो जलेबीपुर है ना, वो 35 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बोथ, इधर से भी 35 है एंड इधर से भी 35 है, तो वो कहाँ पे होगा, वो पॉइंट कहाँ पे होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, पहले तो है ना, ये कर्व लाइन है ना, इसका हमको सेंटीमीटर में मेजर करना पड़ेगा। पर इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक थ्रेड लेना पड़ेगा जिसको मैं यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक रखूँगी, और फिर यही थ्रेड को मैं स्ट्रेट करके उसका सेंटीमीटर निकालूँगी, है ना। और भेलपुर टू ये तो मुझे पता ही है कितना है डिस्टेंस, अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे मैं ज़ीरो लिखूँगी, तो इट्स अ वन एंड टू एंड हाफ, है ना। तो ये डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, 2.5 सेंटीमीटर, है ना। और बेलपुर टू छोला नगर का हमको कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर से मैं रिपीट करती हूँ, ये कर्व लाइन पे मुझे एक छोटी सी थ्रेड रखनी पड़ेगी, फिर ये थ्रेड को एग्जैक्टली यहाँ से उठा के हमको स्ट्रेट लाइन करनी है, और फिर स्केल से हमको उसका मेजर करना है, राइट। तो हमको टोटल डिस्टेंस छोलाघाट टू ढोकलाबाद मिल जाएगा, पर अभी हमको उन्होंने क्या बोला है, जलेबीपुर, है ना, जलेबीपुर 35 किलोमीटर है, 35 किलोमीटर को हम कैसे लिखेंगे, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5, है ना। अभी मुझे पता है 10 किलोमीटर यानि मेरा ऑन पेपर कितना सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। तो फॉर दिस यहाँ पे लिखती हूँ, सी 10 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर इट मेक्स 30 एंड 5 किलोमीटर्स दैट मीन्स 35। ओके बच्चों, ये 10 किलोमीटर दैट मीन्स मेरा 1 सेंटीमीटर हुआ, ये 10 किलोमीटर दैट मीन्स मेरा 1 सेंटीमीटर हुआ, ये 10 किलोमीटर दैट मीन्स मेरा 1 सेंटीमीटर हुआ, राइट। एंड दिस 5 किलोमीटर दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर का हाफ यानि 0.5 सेंटीमीटर हुआ। ओके, नाउ अगर मैं इसको ऐड कर दूंगी तो इट बिकम्स 3.5
5 सेंटीमीटर होगा, है ना, 3.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों जलेबी पूर को मुझे जे मार्क करना है, मेरा ये कितना आया था 2.5, है ना, ये मेरा कितना आया था 2.5 सेंटीमीटर। तो अगर मैं ये 1 सेंटीमीटर पकड़ूं डिस्टेंस, तो मेरा जे यहाँ पे आएगा, है ना, जलेबीपुर, जलेबीपुर मेरा यहाँ पे आएगा टेंटेटिवली, है ना। तो ये 1 सेंटीमीटर और ये 2.5, तो टोटल डिस्टेंस इज 3.5, और 3.5 अवे फ्रॉम धोकला हाउस, और वही डिस्टेंस उसका छोला घाट से भी होगा, है ना, गॉट इट। तो हमने मार्क जे भी कर दिया। नाउ मेजर द लेंथ ऑफ रूट बिटवीन भेलपुर एंड छोला घाट। हाँ, सो यहाँ पे उन्होंने लिखा है यू कैन यूज थ्रेड। अभी हमको यहाँ पे क्या करना है बच्चों, यस, भेलपुर से मुझे छोला घाट का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि ये थ्रेड ऐसे रखनी है, और फिर यही थ्रेड को दोनों साइड से पकड़ के स्ट्रेट करनी है, और फिर स्केल से मेजर करनी है, है ना। तो यू गेट एन आंसर, तो आप मुझे मेजर करके बताना है, ओके, दिस इज योर होमवर्क। नाउ आगे का मैप देखते हैं। अशी स्कूल लुक लाइक दिस फ्रॉम द टॉप, यूज दिस स्क्वेयर्स टू फाइंड आउट। ओके, अभी यहाँ पे बच्चों ये स्कूल का मैप दिया हुआ है, तो पहले हम मैप को अच्छे से ऑब्जर्व कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑफिस है, यहाँ पे गार्डन है, असेंबली ग्राउंड है, हॉल है, फिर क्लास 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, डोर एंड ये विंडोज, है ना, तो ये सब डोर की है, डोर ये सब डोर ही है, और ये जो 2 2 2 2 2 है ये सब विंडो है ना, ऑल साइड सेम रहते हैं, लुक एट हियर, है ना। तो थर्ड क्लास है, फिफ्थ है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, नाइन्थ, सेवन, सिक्स और टेंथ, एट, सिक्स बी, ऐसे सब क्लास है, राइट। और स्कूल का मेन गेट है यहाँ पे, राइट, प्ले ग्राउंड है, बराबर। और यहाँ पे दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 5 मीटर, है ना, दैट मीन्स। अभी बच्चों आप ये देखो, ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर दैट मीन्स उसका क्या हुआ, 5 मीटर डिस्टेंस हुआ, एक्चुअल डिस्टेंस, है ना, गॉट इट। नाउ उसके ऊपर से हम क्वेश्चंस क्या है वो देखते हैं। हाउ मेनी टाइम्स बिगर इज द एरिया ऑफ असेंबली ग्राउंड देन द ऑफिस। हमको क्या पूछा है कि असेंबली ग्राउंड ये कितना बिगर है एज कम्पेयर टू दी ऑफिस, ऑफिस से कितना बड़ा है। सो चलो देखते हैं आगे के इसमें। मुझे ऑफिस तो यहाँ पे दिख रहा है, ऑफिस में 3 ब्लॉक्स है, है ना, ऑफिस में 3 ब्लॉक्स है, दैट मीन्स उसका 1 2 3 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ उसका एरिया, है ना। तो और असेंबली ग्राउंड में बच्चों देखो ये 3 ब्लॉक्स है, 3 3 3 3, कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 and 5, दैट मीन्स ऑफिस असेंबली ग्राउंड इज 5 टाइम्स बिगर देन ऑफिस, है ना। ये देखो बच्चों 1 2 3 4 and 5,
ऑफिस अगर 3 ब्लॉक्स का है ना, तो उसका 5 टाइम्स बड़ा है असेंबली ग्राउंड. गॉट इट? ओके. सो नेक्स्ट, हाउ मच इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ईच क्लासरूम? तो बच्चों, हर एक क्लासरूम की लेंथ एंड विड्थ हमको फाइंड आउट करनी है. तो चलो, पहले तो ये हमारी लेंथ हुई, ये हमारी विड्थ हुई, है ना. लेंथ हमारी कितनी है बच्चों? यहाँ पे देखो, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर. 2 सेंटीमीटर दैट मीन्स मेरी लेंथ कितनी हुई? 5 मीटर. एंड टू ये 1 सेंटीमीटर एंड 1/2 है ना, हाफ से थोड़ा बड़ा है, तो हम 2-4 ले सकते हैं, है ना. 4 मीटर हम कंसिडर कर सकते हैं. इट्स अ टेंटेटिवली. देखो, 2 मीटर से थोड़ा सा ही कम है, तो हम इसको 2 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ही कम है, तो इसको हम टेंटेटिवली 4 मीटर कंसिडर कर सकते हैं. तो हर एक क्लास का बच्चों सेम मेजरमेंट ही होता है, तो 5/4 उसका आंसर आएगा. देखते हैं क्या है ऑप्शन में. यस, तो ए इज अ करेक्ट ऑप्शन. लेंथ 5 मीटर एंड विड्थ 4 मीटर. ओके. नाउ ऑल क्लासरूम इन द आरसी स्कूल लुक लाइक दिस. बच्चों, हर एक क्लासरूम आशीष के स्कूल के ऐसे ही दिख रहा है. जैसे कि यहाँ पे डोर है, डोर से जैसे एंट्री करते हैं वहाँ पे एक टेबल आ जाता है, ब्लैक बोर्ड आ जाता है, ब्लैक बोर्ड के अपोजिट एकदम डिस्प्ले बोर्ड आ जाता है, साइड में है नोटिस बोर्ड, लेफ्ट साइड नोटिस बोर्ड है, राइट साइड अलमारी है, 2 विंडो है ना, और बेंचेस है. बेंचेस के कितने रो है? 1, 2, 3, 4, 5, है ना, 5 बेंचेस के कॉलम है, राइट. तो हमने क्लासरूम का तो मैप देखा. क्लासरूम में क्या क्या दिखाई दे रहा है? ब्लैक बोर्ड, डोर, एंट्रेंस, यानी यहाँ पे क्लासरूम की एंट्री यहाँ से होगी, नोटिस बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड, अलमारी, विंडो एंड बेंचेस, ये टेबल है ना. गॉट इट बच्चों? सो हमने अच्छे से ऑब्जर्व कर दिया है मैप. नाउ लुक केयरफुली एंड आंसर. Which of these is exactly opposite to the blackboard? Blackboard के बच्चों opposite क्या दिख रहा है? यहाँ पे blackboard है, उसके exact opposite side में हमको क्या दिख रहा है? Display board, है ना. So it's a right answer. Circle it. Display board. Now look at the school map again. फिर से हमको school map देखना है. And guess and mark where would these be. Okay, blackboard in class 3A and 7. Class 3A and 7. तो बच्चों, हमको class 3 का और 7 का blackboard कहाँ पे होगा वो देखना है. उसके पहले है ना, हम ब्लैकबोर्ड को पहले ऑब्जर्व कर देते हैं. जैसे ही डोर है, डोर के एग्जैक्ट यहाँ पे ब्लैकबोर्ड है, ये ध्यान में रखो. कहाँ पे पोजीशन? ब्लैकबोर्ड की एंट्रेंस के एकदम बाजू में ही ब्लैकबोर्ड है. ओके. नाउ हमको मैप में कौन सा क्लास देखने को बोला है? 3A. सो फाइंड आउट 3A. यस, लुक एट हियर, है ना. 3A यहाँ पे है, दैट मीन्स हमारा एंट्रेंस यहाँ पे है, राइट. एंट्रेंस डोर है, यस, और डोर के बाद यहाँ पे ब्लैक बोर्ड होगा, है ना. ब्लैक बोर्ड हमारा यहाँ पे होगा 3A का. फिर क्या बोला है? 7 क्लास. फाइंड आउट 7 क्लास.
ओके, 7 क्लास मुझे मिल गया है ना। तो 7 क्लास का बोर्ड, ये मेरे एंट्रेंस है और डोर के एग्जैक्ट बाजू में ही मेरा ब्लैक बोर्ड है। तो मेरा 7 क्लास का ब्लैक बोर्ड यहाँ पे होगा, राइट। सो मैं आपको दोनों साथ में दिखा देती हूँ। थर्ड ए का ब्लैक बोर्ड मेरा यहाँ पे होगा एंड 7 ए का ब्लैक बोर्ड मेरा यहाँ पे होगा। गॉट इट? ओके, नाउ नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है? अलमारी इन फोर्थ एंड नाइन्थ, नाइन्थ एंड फोर्थ क्लास का अलमारी दिखानी है। तो पहले हम अलमारी की पोजीशन देख रहे थे बच्चों। जिस लाइन में 2 विंडो है ना, जिस लाइन में 2 विंडो है, विंडो के एग्जैक्ट कॉर्नर में अलमारी है ना। सी, विंडो के एग्जैक्ट कॉर्नर में अलमारी है। अभी हमको कौन सा क्लास देखने को बोला है? यस, सो लुक एट फोर्थ क्लास। ओके, फोर्थ क्लास में देखा बच्चों, कहाँ पे आपको विंडो दिखाई दे रही है? यहाँ पे है ना। तो विंडो के एग्जैक्ट लाइन में मेरी अलमारी है, तो फोर्थ क्लास में मेरी अलमारी यहाँ पे होगी, राइट। एंड नाइन्थ क्लास, वेयर इज नाइन्थ क्लास? यस, यहाँ पे नाइन्थ क्लास मेरा यहाँ पे है। तो सॉरी, 10th क्लास है, आई एम सॉरी, 10th क्लास में आपको दिखा दिया है विंडो के एग्जैक्ट बाजू में मेरी अलमारी यहाँ पे है। दैट मीन्स मेरी अलमारी यहाँ पे है, फोर्थ क्लास की मेरी अलमारी यहाँ पे है। गॉट इट? ओके, दोनों मार्क कर दिया है। नाउ नेक्स्ट, फोर्थ एंड 10th क्लास का हमने देख लिया, थर्ड एंड 7th क्लास का भी देख लिया। नाउ नोटिस बोर्ड इन क्लास 5th एंड 6B, नोटिस बोर्ड क्लास 5th एंड, यस, डोर के एग्जैक्ट ये बाजू में, डोर के ये कर्व लाइन के एग्जैक्ट बाजू में नोटिस बोर्ड है ना। नाउ हमको कौन सा क्लास करना का बोला है? 5th एंड 6B, 5th एंड 6B तो डोर है ना। तो मेरा नोटिस बोर्ड ये साइड में होगा एंड 6B में डोर यहाँ पे है। सो माई नोटिस बोर्ड इज हियर, है ना। नोटिस बोर्ड यहाँ पे होगा, इसका नोटिस बोर्ड यहाँ पे होगा, ब्लैक बोर्ड यहाँ पे है ना। ओके, नाउ लास्ट सीट ऑफ मिडल रो इन क्लास 2, लास्ट सीट। लास्ट सीट ऑफ द मिडल रो इन क्लास 2, लास्ट सीट। मिडल रो कौन सी है? दिस। और उसका एग्जैक्ट लास्ट सीट हमारा ये पे है, डिस्प्ले बोर्ड के आगे है ना, और अलमारी के यहाँ पे। तो मेरा क्लास 2 देखना पड़ेगा। सो फाइंड आउट क्लास 2, यस, हियर इज अ क्लास 2। ओके, दिस इज माय एंट्रेंस, दिस इज माय एंट्रेंस। एंट्रेंस से ये नोटिस बोर्ड है, ये मेरा डिस्प्ले बोर्ड है। तो डिस्प्ले बोर्ड के एग्जैक्ट आगे यानी यहाँ पे वो बेंच होगा, राइट। नाउ डिस्प्ले बोर्ड इन क्लास 1, चलो बच्चों, डिस्प्ले बोर्ड कहाँ पे हमारा? यस, अलमारी के एग्जैक्ट बाजू में है। सो क्लास 1, फाइंड आउट क्लास 1, यस, यहाँ पे मेरी अलमारी होगी तो मेरा डिस्प्ले बोर्ड यहाँ पे है ना। क्लास 1 में मेरा डिस्प्ले बोर्ड यहाँ पे है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन चाइल्ड सिटिंग इन 3A CD प्ले ग्राउंड? अगर क्लास 3 में बैठा हुआ बच्चा प्लेग्राउंड देख सकेगा? चलो मैप में देखते हैं। यस,
मेरा प्लेग्राउंड कहाँ पे है, यहाँ पे है, राइट, और मेरा क्लास थर्ड ए यहाँ पे है। सो वो लोग नहीं देख पाएंगे क्योंकि उनकी विंडो यहाँ पे है, उनकी विंडो से असेंबली ग्राउंड दिखेगा बट प्लेग्राउंड नहीं दिखेगा, है ना, दे कांट सी। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, मिलते हैं ये पार्ट के एक्सरसाइज में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। हमने जो भी क्वेश्चन आंसर डिस्कस की है नोट डाउन इन योर टेक्स्ट बुक। ओके, सो बाय।